सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। सिंगरौली भवानी सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी गांव के भोले वाले युवकों को काम दिलाने का झूठा झांसा देकर उन्हें गुमराह कर रही है। कई युवक तो ऐसे जिन्हें गांव से लाकर काम पर लगा दिया गया है, लेकिन संचालक उनके ईपीएफ के पैसे निकल गया। इसके बाद भी इस तरह का गोरख धंधा करने वालों पर प्रशासन सख्ती नहीं बरत पा रहा। इतना ही नहीं, कंपनी सेना से रिटायर होने वाले जवानों को भी इस तरह का प्रलोभन देकर गुमराह कर रही है। सही कह रहे हैं सर, मेरा पर्सन एरिया जाते हैं तो डांटते हैं, बोलते हैं कि हम भेज दिए हैं या भोपाल जाओ, हम यहाँ से कुछ नहीं होना, चतुर्वेदी के पास जाओ। हम साल 6 महीने से परेशान हो गए उनके आने जाने में। कितना पैसा था आपका? मेरा पैसा था 14,000 रुपये। 14,000? कितने लोगों का पैसा इस तरह से फंसा हुआ उनके पास? 60-70 लोगों का पैसा फंसा है। 60-70 लोगों का जी। सबका पीएफ ही फंसा हुआ है जी, जमा ही नहीं किए हैं। पीएफ उनके द्वारा नहीं जमा किया? नहीं। कितने वर्षों तक आपने काम किया? हम इनके यहाँ किए हैं 9 महीना किए हैं। 9 महीने जी। कहाँ पे कार्य का स्थल था आपका? ये आपका सोलार है, फैक्ट्री के अंदर। सोलार फैक्ट्री जी, वहाँ पे आप लोगों ने काम किया जी। पर महीने कितना मानदेय दिया जाता था उनके द्वारा? उनके द्वारा 10,000 रुपये निर्धारित था। 10,000 रुपये जी? वो क्या? हाँ, धमकी तो आए दिन, दारू पी के वो सही बातें नहीं करते हैं, बोलते हैं भोपाल जाओ, यहाँ जाओ। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।